अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज फिर हम हाज़िर हुए एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये मेरे पास HP LaserJet M1522nf मशीन है। इसकी मदद से हम फोटोकॉपी, प्रिंट और स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों, ये HP की ऑल इन वन मशीन है। ये इसका डॉक्यूमेंट फीडर है, ये इसका स्कैनर। दोस्तों, ये A4 साइज़ का होता है और ये इसका प्रिंट वाला हिस्सा। यहाँ हम पेपर रख के कॉपी, प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ हम पेपर लगाएंगे और यहाँ से ये वापस निकालेगा। दोस्तों, ये इसकी USB पोर्ट, जिसकी मदद से हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नेटवर्किंग के लिए और ये इसकी फिक्स के लिए, ये इसकी पावर केबल। ठीक हो गया दोस्तों। अगर इसमें पेपर वगैरह फंस जाता है तो इसके, फर्ज करो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल के दौरान अगर पेपर इसके अंदर फंस जाता है तो हम इसको किस तरह निकालेंगे। दोस्तों, ये इसका पुश बटन, इसको हम प्रेस करेंगे और इसको आसानी से ऊपर उठा लेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। फिर इसके अंदर ये टूनर लगा है, इसको बाहर निकालेंगे। ये इसकी कार्टेज है, इसकी कार्टेज का नंबर 360A है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी कार्टेज, ये एक दफा फिल हो गए तकरीबन 1000 कापी निकाल सकती है आसानी के साथ। इसको हम फिर आसानी से, ये हमें एडजस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करती है। ये इस वक्त रेडी हालत में है। ये बटन है इसका स्टार्ट स्कैन, ये कॉपी के लिए, ये लाइट और डार्कनेस के लिए, तो ये बटन है इसका रिड्यूस के लिए, ये पेपर क्वालिटी के लिए, और ये इसका इसका फैक्स का है। फर्ज करो हमने यहाँ से तकरीबन 10 कापी निकालनी है, तो 10 कापी इस तरह निकालेंगे कि ये बटन लगे हैं यहाँ, 1 और फिर 0, ये 10 का निशान आ गया। जब यूं ही हम कापी पे क्लिक करेंगे, 10 कापी बाहर निकाल देगी। अगर हमने कैंसिल करना है तो ये क्रॉस वाला बटन, ये क्रॉस हो गया। अगर हमने इसका टेस्ट पेज निकालना है तो टेस्ट पेज के लिए ये सेटिंग का बटन, कॉपी सेटअप, रिपोर्ट, यही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर ओके का बटन, इसको ओके करेंगे, ये रिपोर्ट निकाल देगी। ठीक है दोस्तों, फ़र्ज़ करो हमने, अगर हमने वापस जाना है तो ये रिटर्न वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वापस मेन्यू पे आ गई। फ़र्ज़ करो हमने 10 कापी निकालनी है, तो हमें फिर याद आ गया हमने इसको कम निकालने, तो यूं ही हम इसको कैंसिल का बटन पाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। फिर हमने कम निकालनी है तो ये 5 पे क्लिक करेंगे, ये 5 आ गई। ठीक है दोस्तों, ये लाइट और डार्कनेस, ये इस वक्त नॉर्मल हालत में है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगी, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ये ज़्यादा डार्कनेस पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका डॉक्यूमेंट फीडरिस है। इसकी मदद से हमने सेट अगर निकालने हैं तो सेट वाइज सेट ये निकाल देगी। यहाँ हम ज़्यादा पेपर लगाएंगे स्कैन के लिए, ये यहाँ से स्कैन होते जाएंगे और यहाँ से कापियाँ बाहर आती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका फैक्स वाला हिस्सा है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ।
اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.